हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के अंदर सीखेंगे किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे 65 है तो 65% आना चाहिए, 45 है उसके जगह पे 45% आना चाहिए, एंड सो ऑन। तो एक नॉर्मल तरीका है, हम लोग करते ये हैं कि जहाँ तक हम लोगों का डेटा है हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और होम के अंदर में ही नंबर सेक्शन में यहाँ पे जनरल है, यहाँ से आप परसेंटेज पे क्लिक करते हैं, नंबर फॉर्मेट को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली जैसे आप क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे 65 की जगह पे 6500 6500 हो गया 0.00%, ये तो गलत है। चलो कंट्रोल जेड से हम लोग इसको अंडू कर लेते हैं। आप यहां से भी ये काम कर सकते हैं, देखो यहाँ परसेंट स्टाइल है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट परसेंट है, आप इस पर भी क्लिक करके सेम काम कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 65 की जगह पे 6500% आ रहा है। तो इस काम को कैसे एक्सेल में आप करोगे ये मैं दो तरीके से बताऊंगा। देखो इसके लिए करना क्या है, आप कोई भी एक्सेल खाली ले लो जहां पे आप 100 पुट कर लो। ओके, मैंने यहाँ पे डी के फोर में 100 रख लिया। चलो इसको हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं या अपोजिट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब इस 100 को जहां तक आपका नंबर है उस नंबर को आप उस पूरे रेंज को आप सेलेक्ट कर लो और आप पेस्ट स्पेशल चुनो, जिसके लिए मैंने अपोजिट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल को चुना। यहां पे पेस्ट वैल्यूज को सेलेक्ट करना है और आपको डिवाइड कर लेना है अपने इन नंबर्स को इससे। जैसे आप ओके करोगे, चूंकि आपने इसको यहां से कॉपी किया है और पेस्ट स्पेशल के जरिए आप यहां पूरे सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स में इसको पेस्ट करना चाहते हो डिविजन ऑपरेशन के साथ, तो एक्चुअली ये जो नंबर है ना ये 100 से डिवाइड हो, 100 से डिवाइड होगा। देखो जैसे आप ओके करोगे तो देखो 65 जो है वो 0.65% हो गया, 45 0.45 हो गया। अभी परसेंट में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वापस से इसको सेलेक्ट करो और यहां से देखो आप चले जाओ जनरल के अंदर में परसेंटेज में। अब देखो ये आपका 65.00% हो गया। यहां 0.00 जो है आप इसको यहां से बढ़ा सकते हो और चाहो तो यहां से घटा सकते हो। तो चलो मैं यहां से 65% कर लेता हूं। अब ये जो 100 जिस सेल में लिखा हुआ है इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका काम ये हो गया, आपने नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। ये तो हो गया वे नंबर वन। आइए चलते हैं वे नंबर टू के ऊपर। देखो यहां पे मैंने अगेन कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, बहुत आसान तरीका है। देखो इन नंबर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल वन। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ वन, ताकि फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाए। चलो कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल वन प्रेस करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने ऐसा किया, देखो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पे कस्टम सेलेक्ट करना है। अभी आप यहां पे जीरो सेलेक्ट कर लो, देखो यहां जीरो आ रहा है ना। यहां पे देखो कस्टम में ये जीरो यहां पे आ रहा है। अभी यहां पे आपको लिखना है बैकवर्ड स्लैश एंड देन परसेंट। ऐसा लिखोगे, देखो यहां पे 65% आ रहा है, ये आपका प्रीव्यू दिख रहा है। ओके करो तो देखो ये आसानी से कन्वर्ट हो गया। आपने क्या किया, आपने लिखा 0% बाई। अगर आपको ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ऐसा है ना कि ये 65.00 हो, तो कोई बात नहीं, आप अगेन रेंज ऑफ डेटा को सेलेक्ट करो और कंट्रोल वन कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है सिलेक्शन के बाद। और देखो यहां पे जहां पे आपने 0% बाई लिखा है वहां पे आप 0. डेसिमल के बाद कितना जीरो चाहिए वो आप दे दो, उसके बाद 22% देके ओके करो। देखो ऐसा कुछ आपके सामने रिजल्ट आ गया है। तो अब आप लोग भी बहुत आसानी से एक्सेल के अंदर इन दो तरीके से, जहां तरीका नंबर वन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे है जहां पे आपको थोड़ा पेस्ट स्पेशल का यूज करना होगा, उससे भी कर सकते हो। और वे नंबर टू जो कि ज्यादा आसान है, जिसमें ये आपको याद रखना होगा कि ये एक फॉर्मेट है जो आपको अप्लाई करना है, ये दूसरा फॉर्मेट है जो आपको अप्लाई करना है। तो इन दोनों तरीके से आप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।